हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी रीजनिंग की सीरीज चालू है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 एनालॉजी चल रहा है। इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम बचे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक से एडवांस तक क्लियर हो जाए। इस वीडियो के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के देंगे। तो आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपके धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें सीरीज इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए इसमें हमारे पास चार फिगर रहते हैं जिसमें से हमारे पास तीन फाइंड आउट रहते हैं, एक निकालना रहता है। और उसके लिए यहाँ पास चार ऑप्शन भी रहते हैं कि आप इसमें से देख के फाइंड कर सकते हो। ठीक, देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बेसिक और सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए इसमें पहला, ये पहला फिगर है और ये हमारा दूसरा फिगर है। ठीक, देखिए पहला फिगर और दूसरे फिगर पे हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक, पहले से दूसरे में बहुत सारे सिमिलरिटीज रहेंगी, पहले दूसरे में क्या चेंजेस हुए हैं और जो चेंज हमारा पहले और दूसरे में हुआ है उसी को लेकर हमें तीसरे से चौथा बनाना। ठीक, वही चीज़ चेंज करके हमें तीसरे से चौथा फिगर बनाना है। देखिए अब देखते हैं, ठीक क्या क्या है इसके रूल्स क्या है, पहले दूसरे फिगर में क्या चेंजेस हुए हैं, वही चेंजेस करके हमें तीसरे से वही चेंजेस हमें तीसरे से चौथे में करना है। ठीक, देखिए पहला फिगर क्या है हमारा, इसमें हमारे पास एक इस तरह का शेप है, ये आप शेप देख सकते हैं, ये गोल आकार का और नीचे एक एरो है। अब इसमें से दूसरे में, पहले से दूसरे में क्या चेंजेस हैं वो देखना है। पहला ये है और दूसरा ये है, तो पहले से दूसरे में क्या चेंज हुआ है। देखिए दूसरे में हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा घड़ी की उल्टी दिशा में, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, जैसे घड़ी इस साइड से घूमती है ना, ऐसे नीचे साइड, तो ये हमारा ऊपर साइड है, तो ये घड़ी की क्लॉकवाइज क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, वो भी 90 डिग्री में। देखिए ये यहाँ पे था, समझ लीजिए एरो, लेकिन ये 90 डिग्री घड़ी की दिशा में ऐसा घूम गया है, उल्टी दिशा में घूम गया है। ठीक, तो ये एरो इस टाइप से हो गया। इसमें क्या चेंजेस हुआ है, इसमें जो एरो है वो घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री डायरेक्शन में घूम चुका है। ठीक, ये उसमें चेंजेस, ये चेंजेस हमें तीसरे से चौथे में करने हैं। तो तीसरा फिगर हमारा ये है, इसमें एक सर्कल है, घड़ी के टाइप का बिल्कुल शेप है, तो हम इसको भी हम 90 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में कर देंगे। तो इसको हम शेप बना के देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे था ये वाला एरो, इसको हम घड़ी की उल्टी से हम 90 डिग्री घुमाते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये इस टाइप का शेप बनेगा, क्योंकि इसे हम 90 डिग्री एंगल में घड़ी क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। ठीक, तो ये वाला शेप हमारा बनेगा। तो हम इस शेप को, हमारा ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा वाला शेप है, ये पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, चौथा है सॉरी, चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास एक शेप है स्क्वायर और इसमें हमारी एक क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन है। ठीक, तो दूसरे में क्या चेंजेस हुए हैं, जो हमारा एक स्क्वायर का शेप था ना, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसे कि एक पार्ट है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन इसमें एक चेंजेस और हुआ है कि इसमें जो क्रॉस लाइन थी वो इसमें नहीं है। ठीक, देखिए इसमें हमारा एक ट्राइंगल है, तो इसको भी हम तीन ट्राइंगल में चेंज कर देंगे। ठीक, जो हमारा पहले से दूसरे में हुआ है वही हमें तीसरे से चौथे में करना है। ठीक, इसमें देखिए इसमें क्रॉस लाइन थी, इसमें नहीं है, इसमें क्रॉस लाइन नहीं है, तो इसमें होगी इस टाइप से। ठीक, पहले में क्या था, हमारे पास एक स्क्वायर का शेप था जिसमें हमारी क्रॉस लाइन थी। ठीक, दूसरे वाले में क्या चेंजेस हो गया, जो हमारा स्क्वायर था वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया और जो क्रॉस लाइन है वो नहीं है इसमें। ठीक, ये चेंजेस हुआ है। देखिए तीसरे में हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जैसा, लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी क्रॉस लाइन नहीं है, तो इसमें हम क्रॉस लाइन कर देंगे। ठीक, जो चेंजेस पहले से दूसरे में होगा वही चेंजेस हमें तीसरे से चौथे में करना है। ठीक, तो ये वाला शेप हम ढूंढेंगे, ये कौन सा शेप है हमारा, तीसरा वाला शेप करेक्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आप बहुत अच्छे से बारीकी से बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें हमारे पास दो, देखिए एक हमारे पास एक स्क्वायर है,
एक बहुत बड़ा स्क्वायर है और उसके ऊपर हमारे पास एक दो तीन तीन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, वो भी हमारे पास डार्कनेस ट्राइंगल, जिसमें डार्कनेस है। ठीक, लेकिन दूसरे वाले में क्या चेंजेस हो गए, ये बिल्कुल के अपोजिट हो गए, इंटरचेंज होगा, मतलब इसी जगह पे ये आ गया, उसकी जगह पे वो चलेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे ये एक तीन ट्राइंगल थे तो एक हो गया है, और ये एक स्क्वायर था तो वो तीन हो गए हैं। ठीक, ये चेंजेस हम ये करेंगे, मतलब इसमें इंटरचेंज हो गए हैं, ये तीन थे तो ये एक हो गया है, और ये एक था तो ये तीन हो गया, मतलब बिल्कुल अपोजिट हुआ है इसमें, तो ये अपोजिट हम इसमें करेंगे। जैसे ये तीन थे तो ये हमारा एक बन जाएगा, एक बन जाएगा, और ये हमारा जो क्या था सर्कल था वो हमारे तीन सर्कल हो जाएंगे। इसमें शेप का भी याद रखना, देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल था ना डार्कनेस, तो यहाँ पे डार्क लेस हो गया है, तो यहाँ पे भी ये डार्क लेस हो जाएगा। ठीक, इस टाइप का शेप हमें ढूंढना है, तो ये वाला शेप हमारा कौन सा हो जाएगा, अच्छे से और ध्यान से देखना। ठीक, हमारा कौन सा शेप रहेगा, ये वाला। ठीक, जिससे आपको अच्छे से और समझ में। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा करेक्ट है, आप बिल्कुल मैच भी कर सकते हैं ये देखिए। ठीक, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। इसकी वजह से हम क्वेश्चन नंबर अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें हमारे पास तीन शेप है, एक पहला है हमारा सर्कल, दूसरा हमारा ट्राइंगल, तीसरा है हमारा स्क्वायर। अब देखेंगे कि दूसरे में क्या चेंजेस हुए हैं पहले से, तो इसमें इसके अपोजिट हो गया है, जो हमारा लास्ट में स्क्वायर था वो फर्स्ट पे आ गया है, और ये सेकंड में ट्राइंगल वो सेकंड पे रहेगा अपोजिट में भी, लेकिन और ये थर्ड वाला सर्कल हमारा लास्ट में आ गया, मतलब ये अब ये थे फर्स्ट नंबर पे था, ये सेकंड पे था, ये थर्ड पे था, तो सेकंड वाले में इसके अपोजिट हो गए हैं, ये वाला फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। ठीक, लेकिन बीच वाला जो है हमारा मिडिल का, इसमें हमारा एक चेंजेस हुए हैं, इसमें क्रॉस लाइन आ चुकी है। ठीक, तो ये चेंजेस हम इसमें करेंगे, तो इसमें हमारा ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे है, अब इसको अपोजिट अपोजिट करेंगे, तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे वहाँ सर्कल ही रहेगा, तीसरे पे स्क्वायर आ जाएगा। देखिए इसमें हमारा क्या था, ये हमारा डार्क लेस था, मतलब क्रॉस लाइन नहीं थी इसमें, इसमें आ गई है, इसमें नहीं है तो इसमें भी आ जाएंगी, तो इस टाइप का ये शेप रहेगा। ठीक, ये अपोजिट हुआ है इसमें, और हमारा ये शेप चेंज हुआ है इसमें, ये देख सकते हैं। ठीक, मिडिल वाला, तो इसमें ऑप्शन नंबर टू आप देख सकते हैं हमारा करेक्ट है। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ एक शेप है हमारे पास इस टाइप का, ये हमारा 45 डिग्री एंगल पे घूम गया है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे है ये, तो ये इस साइड घूम चुका है। ठीक, और देखिए ये वाला, तब तीसरे से देखेंगे, ये भी हमारा 45 डिग्री एंगल पे घूम जाएगा, मतलब इस साइड घूमेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमने किया गया है, तो ऑप्शन नंबर टू और ऑप्शन नंबर थ्री में देखिए, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ में देखिए कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमने क्या किया है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर टू को हम अच्छे से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट है इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसमें हमारे पास ये दो अलग अलग पार्ट है हमारे, ये देख सकते हैं आप, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये हमारा पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक, इस तरह से ये एक शेप बन जाएगा, तो ये अलग अलग शेप है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, इसको हमने रिजॉइन कर दिया, मतलब जोड़ दिया, तो ये हमारा एक पार्ट बन गया। ठीक, इसी प्रकार हम इसको भी जोड़ देंगे। ठीक, देखिए ये हमारे दो पार्ट में था, इसको हमने एक पार्ट में जोड़ दिया, तो इसको भी हम ऐसा कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है, क्योंकि ये वाला शेप कहीं हेवी नहीं है, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं आंसर में देख के, अगर आपको बहुत जल्दी है करने की तो टाइम आपका बच जाएगा इससे। ठीक, फिर देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तो इसमें हमारे पास एक सर्कल है, इसमें ये, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर
इस क्वेश्चन में देखिए आप, देखिए इसमें हमारे पास सेटे टाइप का एक शेप है जिसके बीच में एक सर्कल है और ये इस टाइप का एक सेपल टाइप का शेप शेप है ना, शेप एंड शेप ये अलग अलग है ठीक। दूसरे वाले में क्या हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया है, ये नीचे साइड था इसका माउथ हो गया ऊपर साइड ठीक, और जो बीच वाला सर्कल है वो अपर में हो गया ठीक। इसी प्रकार हम चेंज करेंगे तीसरे चौथे में, ये हमारा डार्क ये लाइन है क्रॉस लाइन है बीच में है, तो इसको हम बिल्कुल अपोजिट कर देंगे और ये वाला हमारा नीचे साइड आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ये करेक्ट है ठीक। ऑप्शन नंबर देखिए, हम और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बचे हुए, और हमारे 8 से 9 क्वेश्चन और बचे होंगे, इनको सॉल्व करके हम हमारे और डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं ठीक। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना जिससे आपके और अच्छे से जो भी आपका डाउट बचा हुआ है वो आपका क्लियर हो जाए ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये एक फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमारे पास 2 एरो है वो हमारे किधर, इस कॉर्नर पे है राइट कॉर्नर पे हमारे ठीक, लेकिन दूसरे वाले में ये लेफ्ट कॉर्नर पे आ गया, मतलब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ये राइट कॉर्नर पे था ये लेफ्ट कॉर्नर की ओर जा रहा है ठीक, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, इसमें भी अपोजिट कर देंगे हम, ये हमारा राइट साइड जा रहा है इसको हम लेफ्ट साइड कर देंगे, तो इसमें हम ऑप्शन देख सकते हैं हमारे ठीक। देखिए पहला वाला ये राइट साइड ये तो नहीं हो सकता, दूसरा वाला देखेंगे हम, दूसरा वाला करेक्ट है, इसमें हमें शेप का भी ध्यान रखना है, ये लेफ्ट साइड था ना तो हम जब राइट में आएगा तो ये वाला जो लाइन निकलेगी ना वो राइट साइड निकलेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके लिए अगले क्वेश्चन में देखिए आप, फर्स्ट पे करें हमारे पास 2 शेप हैं, एक स्क्वायर है और दूसरा हमारा सर्कल, अब देखते हैं दूसरे में क्या चेंजेस हुआ है, तो दूसरे वाले में आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला शेप है हमारा स्क्वायर, उसके चारों कॉर्नर पर सर्कल से एक लाइन चली गई है ठीक। देखिए पहले वाले में एक स्क्वायर है और दूसरा हमारा सर्कल है, दूसरे वाले में क्या चेंजेस हुआ है, इसमें सर्कल के चारों कॉर्नर स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर सर्कल से लाइन गई है ठीक, ये देखिए स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर सर्कल से एक लाइन चली गई, ये चेंजेस हम तीसरे से चौथे में करेंगे। देखिए इसमें हमारे पास एक क्या है, एक उल्टा या अपोजिट बोल सकते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है और बीच में क्या है एक सर्कल, तो इसको भी हम बना के देखेंगे जिससे आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो ठीक। ये हमारा सर्कल हो गया, अब हम सर्कल से भी इसके तीनों कॉर्नर पर एक लाइन भेज देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले से दूसरे में भी यही चेंजेस हुआ है कि सर्कल से चारों कॉर्नर पर लाइन आ गई है, तो यही चेंजेस हम तीसरे से चौथे में करेंगे ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, देखिए इसमें ये कर्व लाइन है, एक कर्व लाइन मतलब आड़ तिरछी लाइन को कर्व लाइन बोलते हैं, तो ये एक कर्व लाइन ये दूसरी कर्व लाइन ठीक, दूसरे में क्या चेंजेस हुए हैं, इसके आपके डायरेक्शन चले गए, जैसे ये ऐसा था ना तो ये इस टाइप से हो गया, और ये इस टाइप की लाइन थी ना तो ये इस टाइप से हो गई, और बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो सेम टू सेम वैसी है, तो जिसमें कर्व लाइन थी ना वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई है ठीक, तो इसमें हम वही करेंगे, तो ये वाली कर्व लाइन है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, ये वाली इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बीच में एक स्ट्रेट लाइन, तो ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सिमिलर है ठीक। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला सेफ है ना, ये हमारा बिल्कुल इस कॉर्नर पे है, ये वाला अपोजिट कॉर्नर पे होगा, मतलब मिरर इमेज है, जिसे आप दर्पण में देखते हो, आपको अपनी जो इमेज रहती है वो आपको उल्टी दिखाई देती है, आप दर्पण में आपको देख सकते हैं, कुछ भी आप चीज को देखेंगे ना तो आप बिल्कुल उल्टी दिखाई देंगे ठीक। इसी प्रकार ये है, जैसे आपको ये सेफ दिख रहा होगा इस टाइप ये उल्टा हो गया, तो मतलब इसे मिरर इमेज हम बोल सकते हैं, तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ये इस कॉर्नर पे है तो ये इस अपोजिट हो जाएगा, इस कॉर्नर पर जाएगा ये वाला ठीक। देखेंगे हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम अच्छे से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये क्या आ सकता है ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, क्योंकि देखिए ये वाली इमेज इस कॉर्नर पे थी, दर्पण इमेज में ये उल्टी हो गई, जैसे ये इस कॉर्नर पे है तो ये वाला इस कॉर्नर पे जाएगा, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन को देखेंगे आप, पहला सर्कल है इसमें 2 सर्कल हो गए ठीक, मतलब एक
यहाँ पे एक सर्कल था, यहाँ दो है, ठीक। इसी प्रकार जैसे ये एक है तो यहाँ पे भी दो हो जाएंगे हमारे स्क्वायर। तो स्क्वायर किस में है हमारे, दूसरे वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें दो स्क्वायर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें हमारे पास एक स्क्वायर है जो कि चार स्ट्रेट लाइन्स में, एक दो तीन चार, ठीक। फिर इसके बाद इसमें दो शेप हो जाते हैं, एक स्क्वायर दूसरा ट्राइंगल। मतलब फर्स्ट वाला हमारा थ्री है और चौथा वाला शेप की स्ट्रेट लाइन, मतलब फर्स्ट वाले शेप की हमारी स्ट्रेट लाइन फोर है और दूसरे वाले की थ्री है, ठीक। ठीक है, इस प्रकार इसमें देखेंगे हम, एक शेप है हमारा पेंटागॉन जिसमें पाँच स्ट्रेट लाइन है। मतलब इसमें देखिए आप, एक शेप था इसमें दो शेप हो गए, ठीक। और इसमें दूसरा शेप पहले वाले शेप से एक स्ट्रेट लाइन कम है, तो इसमें फाइव है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, तो इसमें चार स्ट्रेट लाइन वाला दूसरा शेप चाहिए हमें। तो ऑप्शन नंबर टू आप देखेंगे, ये पेंटागन पांच स्ट्रेट लाइन वाला है और स्क्वायर चार स्ट्रेट लाइन वाला, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मतलब इसमें एक शेप तो हमारा बढ़ ही रहा है, साथ में वो शेप की जो स्ट्रेट लाइन है वो पहले वाले से कम है, ये याद रखना है हमें, ठीक। ये रीजनिंग के ऐसे कॉन्सेप्ट है जिन्हें आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको अच्छे से आएगा। और हम भी यही चाहेंगे कि आपके जितने हो सके उतने डाउट क्लियर हो, और हम भी अपनी इम्प्रूवमेंट दिन प्रतिदिन करते जाएंगे जिससे आपके और अच्छे डाउट क्लियर हो, ठीक। देखिए इसमें पहला वाला आप शेप देख सकते हैं, देखिए ये वाला जो हमारा शेप है ना वो इसके अपोजिट डायरेक्शन चला गया, जिन लोअर में था वो अपर में हो गया, ठीक। अपर में ये शेडेड हो गया है, क्रॉस लाइन हो गई इसमें, ठीक। ठीक, इस प्रकार इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, ये नीचे वाला था लोअर का वो अपर में चला गया अपोजिट में, और एक क्रॉस लाइन है उसमें, ठीक। ये चेंजेस हुआ, ठीक। ये चेंजेस हम तीसरे से चौथे में करेंगे। ये सेफ है, ये इस साइड था ना राइट में, इसको हम लेफ्ट में कर देंगे और क्रॉस कर देंगे, ठीक। पहले दूसरे में क्या चेंजेस हुआ वो अच्छे से समझिए। पहले वाले में एक शेप, ये दूसरा शेप, दूसरा शेप लोअर में था ना वो अपर में चला गया, ठीक। और अपर में एक क्रॉस लाइन है आ चुकी है उसमें, ठीक। ये इसमें करेंगे हम, ये एक शेप ये वाला शेप को दूसरे वाले को इस अपोजिट में करेंगे और इसमें क्रॉस लाइन कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर पहले ही हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट है, ठीक। देखिए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें हमारे पास एक कर्व लाइन है, आड़ तिरछी लाइन, तो ये हमारी 90 डिग्री घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम चुकी है, ठीक। ये इस टाइप से का, तो ये घूमकर इस टाइप से हो गया, तो ये वाली लाइन हमारी 90 डिग्री एंगल में घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम चुकी है, ठीक। तो इसमें क्या चेंजेस हुए हैं कि हमारी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चेंजेस हुआ है, यही हम ये करेंगे। इसी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री तक घुमाएंगे हम इसको, ठीक। 90 डिग्री तक घुमाएंगे इसे, तो ये देखिए ये यहाँ पे है ना, जैसे ये एक घड़ी बनाया हम, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, तो ये देखिए इसके एक कॉर्नर कहाँ हो सकता है हमारा, 7 पे है, ठीक। तो इसे हम घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे ना, तो ये हमारे 11 तक आ सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला कॉर्नर, ठीक। तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये वाला कॉर्नर हमारा इधर यहाँ पे 11 हो सकता है, जैसे ये 12 है तो घड़ी की दिशा में ये 13, 11 है, तो ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन, इसमें हमारे पास एक सर्कल है, तो ये सर्कल हमारा टू पार्ट में डिवाइड हो चुका है, जैसे ये ऐसे हम बीच में क्रॉस करेंगे ना तो एक ये दो पार्ट बन जाएंगे, तो हमारा एक सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। देखिए पहले से बन चुका है तो इसको नहीं देंगे। इसमें हमारा एक स्क्वायर है तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये इस टाइप पहला, ये दूसरा, तो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस तरह की वीडियो आगे भी लेकर आएंगे और हम बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके लाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो हमारे रीजनिंग मैथ यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम आपको रीजनिंग का पूरा 6 एंड 9 पूरा प्रोवाइड कराएंगे, वो भी अच्छे से कच्ची क्वालिटी में। हमारी प्रीवियस वीडियो कुछ ऐसी लेंथी थी, लेकिन अब हम बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे आपके लिए जिससे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।